नमस्कार दोस्तों, नॉलेज जंक्शन यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम भारत के 10 सबसे बड़े राज्यों को देखेंगे, जो क्षेत्रफल के मामले में भारत के 10 सबसे बड़े राज्य है। वैसे भारत देश कुल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। वही 5 अगस्त 2019 को कश्मीर से धारा 370 हटाए जाने के बाद भारत में इस समय कुल 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। भारत दुनिया का दूसरा देश है जहां अनेक धर्मों के लोग रहते हैं। भारत एशिया महाद्वीप में स्थित है। क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से यह दुनिया का 7वां सबसे बड़ा देश माना जाता है। तो चलिए देखते हैं भारत के 10 सबसे बड़े राज्यों को, और उससे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबा ले, जिससे हमारी सभी नई वीडियोस की जानकारी आपको जरूर मिले। क्षेत्रफल के मामले में भारत का 10वां सबसे बड़ा राज्य है तमिलनाडु, जिसकी राजधानी चेन्नई है। तमिलनाडु राज्य क्षेत्रफल के मामले में 1,30,058 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। तमिल सभ्यता विश्व की पुरातन सभ्यताओं में से एक है। तमिल यहाँ की आधिकारिक भाषा है और हाल ही में इसे जनक भाषा का दर्जा भी प्राप्त हुआ है। यह राज्य भारत के शीर्ष 7 विकसित राज्यों में से एक है। यह राज्य कई प्राकृतिक संसाधनों और बहुधार्मिक तीर्थ स्थलों का घर भी है। तमिलनाडु राज्य की सीमाएं आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और केरल राज्यों से मिलती है। क्षेत्रफल के मामले में भारत का 9वां सबसे बड़ा राज्य है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ राज्य की राजधानी रायपुर है। छत्तीसगढ़ राज्य क्षेत्रफल के मामले में 1,35,191 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। छत्तीसगढ़ राज्य का गठन 1 नवंबर 2000 को हुआ था और यह भारत का 26वां राज्य है। पहले यह मध्य प्रदेश के अंतर्गत आया करता था। छत्तीसगढ़ भारत का ऐसा राज्य है जिसे महतारी या माँ का दर्जा प्राप्त है। भारत में 2 राज्य ऐसे हैं जिनका नाम विशेष कारणों से बदला गया है। पहला राज्य मगध है, जो बौद्ध विहारों की अधिकता के कारण बिहार बन गया, और दूसरा दक्षिण कौशल, जो छत्तीसगढ़ों को अपने में समाहित करने के कारण छत्तीसगढ़ बन गया। प्राचीन काल में छत्तीसगढ़ दक्षिण कौशल के नाम से जाना जाता था। धान का कटोरा कहे जाने वाला छत्तीसगढ़ राज्य देश के लिए बिजली और इस्पात का एक प्रमुख स्रोत भी है। छत्तीसगढ़ भारत में सबसे तेजी से विकसित होते राज्यों में से एक है। छत्तीसगढ़ राज्य की सीमाएं उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, झारखंड, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र राज्य से मिलती है। क्षेत्रफल के मामले में भारत का 8वां सबसे बड़ा राज्य है उड़ीसा। उड़ीसा राज्य की राजधानी भुवनेश्वर है। उड़ीसा राज्य क्षेत्रफल के मामले में 1,55,707 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। उड़ीसा राज्य भारत के पूर्वी तट पर स्थित है। उड़ीसा राज्य में प्रचुर मात्रा में प्राकृतिक संसाधन उपलब्ध है और एक बड़ी तटरेखा है, जो विदेशी निवेशकों के लिए भारत में सबसे पसंदीदा स्थान भी है। यह राज्य महानदी से भरपूर है और दुनिया में सबसे लोकप्रिय मंदिरों का घर भी है। उड़ीसा राज्य की सीमाएं झारखंड, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश और छत्तीसगढ़ राज्य से मिलती है, तथा इस राज्य के पूर्व में बंगाल की खाड़ी भी है। क्षेत्रफल के मामले में भारत का 7वां सबसे बड़ा राज्य है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश राज्य की राजधानी विशाखापट्टनम है। आंध्र प्रदेश राज्य क्षेत्रफल के मामले में 1,62,968 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। आंध्र प्रदेश भारत के दक्षिण पूर्वी तट पर बंगाल की खाड़ी के किनारे स्थित है। आंध्र प्रदेश का सबसे बड़ा शहर विशाखापट्टनम है। भारत के सभी राज्यों में से सबसे लंबा समुद्र तट दूसरे स्थान पर इस राज्य का है। आंध्र प्रदेश राज्य में 972 किलोमीटर तक समुद्री तट है। आंध्र प्रदेश राज्य की सीमाएं महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, बंगाल की खाड़ी, तमिलनाडु और कर्नाटक राज्यों से मिलती है। ऐतिहासिक रूप से आंध्र प्रदेश को भारत का धान का कटोरा भी कहा जाता है। यहाँ की फसल का 70% से ज्यादा हिस्सा चावल होता है। क्षेत्रफल के मामले में भारत का 6वां सबसे बड़ा राज्य है कर्नाटक। कर्नाटक राज्य की राजधानी बेंगलोर है। कर्नाटक राज्य क्षेत्रफल के मामले में 1,91,791 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। कर्नाटक दक्षिण भारत का एक राज्य है, जो पहले मैसूर राज्य कहलाता था। इस राज्य में वनस्पतियों और जीवों की प्रचुर विविधता पाई जाती है। कर्नाटक राज्य की सीमाएं अरब सागर, गोवा, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरल राज्यों से मिलती है। क्षेत्रफल के मामले में भारत का 5वां सबसे बड़ा राज्य है गुजरात। गुजरात राज्य की राजधानी गांधीनगर है। गुजरात राज्य क्षेत्रफल के मामले में 1,96,024 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। यह राज्य अपने गिर राष्ट्रीय उद्यान के चलते दुनिया भर में प्रसिद्ध है, जहां दुनिया के आखिरी बचे हुए एशियाई शेर पाए जाते हैं।
गुजरात पश्चिमी भारत में स्थित एक ऐसा राज्य है जिसकी उत्तरी पश्चिमी सीमा जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी है जो पाकिस्तान देश को छूती है। गुजरात राज्य की सीमाएं राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, अरब सागर और दादर एवं नागर हवेली से मिलती है। क्षेत्रफल के मामले में भारत का चौथा सबसे बड़ा राज्य है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश राज्य की राजधानी लखनऊ है। उत्तर प्रदेश राज्य क्षेत्रफल के मामले में 240,928 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। लखनऊ उत्तर प्रदेश की प्रशासनिक एवं विधायकी राजधानी है, तो वही प्रयागराज इस राज्य की न्यायिक राजधानी है। उत्तर प्रदेश राज्य के प्रमुख शहरों में आगरा, अयोध्या, अलीगढ़, कानपुर, झांसी, बरेली, मेरठ, वाराणसी, गोरखपुर, मथुरा, मुरादाबाद तथा आजमगढ़ शहर है। उत्तर प्रदेश राज्य की सीमाएं उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़ राज्यों से मिलती है। इन सब के अतिरिक्त राज्य की पूर्वोत्तर सीमा नेपाल देश को छूती है। क्षेत्रफल के मामले में भारत का तीसरा सबसे बड़ा राज्य है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र राज्य की राजधानी माया नगरी मुंबई है। महाराष्ट्र राज्य क्षेत्रफल के मामले में 307,713 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। महाराष्ट्र भारत का एक ऐसा राज्य है जो भारत के पश्चिमी प्रायद्वीप क्षेत्र में स्थित है। महाराष्ट्र राज्य की गिनती भारत के सबसे धनी एवं समृद्ध राज्यों में की जाती है। महाराष्ट्र शब्द एक संस्कृत शब्द है जो दो शब्दों द्वारा मिलाकर बना है, जिसमें पहला महा तथा दूसरा राष्ट्र। इसका अर्थ होता है महान देश। यह नाम यहाँ के संतों की देन है। महाराष्ट्र राज्य की राजधानी मुंबई, जो भारत का सबसे बड़ा शहर और देश की आर्थिक राजधानी के रूप में भी जानी जाती है, और इस राज्य का पुणे शहर भी भारत के सबसे बड़े महानगरों में गिना जाता है। महाराष्ट्र राज्य की सीमाएं गोवा, कर्नाटक, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और गुजरात राज्यों से मिलती है। वहीं महाराष्ट्र की पश्चिमी सीमा अरब सागर को भी छूती है। क्षेत्रफल के मामले में भारत का दूसरा सबसे बड़ा राज्य है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश राज्य की राजधानी भोपाल है। मध्य प्रदेश राज्य क्षेत्रफल के मामले में 308,245 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। मध्य प्रदेश राज्य 1 नवंबर 2000 तक क्षेत्रफल के आधार पर भारत का सबसे बड़ा राज्य था। इस दिन मध्य प्रदेश राज्य से 16 जिले अलग कर छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना हुई थी। मध्य प्रदेश राज्य को भारत का दिल भी कहते हैं। यह राज्य खनिज संसाधनों में बहुत ही समृद्ध है तथा 2018 के गणना के हिसाब से मध्य प्रदेश राज्य में बाघों की सबसे ज्यादा तादाद पाई जाती है। मध्य प्रदेश राज्य की सीमाएं उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, गुजरात तथा राजस्थान राज्यों से मिलती है। क्षेत्रफल के मामले में भारत का पहला और सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान। राजस्थान राज्य की राजधानी है जयपुर। राजस्थान राज्य क्षेत्रफल के मामले में 342,239 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। राजस्थान भारतीय गणराज्य का क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा राज्य है। राजस्थान देश के पश्चिमी भाग में स्थित है और इस राज्य की सबसे महत्वपूर्ण भौगोलिक विशेषताओं में अरावली पहाड़, थार का रेगिस्तान, बड़े बड़े किले और सिंधु घाटी सभ्यता के कुछ खंडहर शामिल है। इस राज्य की एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा है जो पाकिस्तान के साथ 1,070 किलोमीटर तक मिलती है, जिसे रेड क्लिप रेखा के नाम से जाना जाता है। राजस्थान राज्य की सीमाएं गुजरात, मध्य प्रदेश, पंजाब, उत्तर प्रदेश और हरियाणा राज्यों से मिलती है। तो दोस्तों, यही है भारत के 10 सबसे बड़े राज्य क्षेत्रफल के मामले में। वीडियो खत्म करें उससे पहले अपना सिलसिला, पिछली वीडियो में लफाड़ू गेमर नाम की आईडी से कमेंट किया गया था कि ये भाई मुंबई महाराष्ट्र से हमारी वीडियोस देखते हैं। अगला कमेंट था गजेंद्र कुमार भाई का, जो कोटा राजस्थान से हमारे वीडियोस देखते हैं। वैसे दोस्तों, आप कौन से शहर से हमारे वीडियो देख रहे हैं, अपने शहर का नाम कमेंट जरूर करना। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। इस वीडियो में तो बस इतना ही। मिलते आपसे कल दूसरे वीडियो में। अपना ख्याल रखें। जय हिंद।